सात क्रिश्चियन हैं, बाकी हिंदू हैं। तो फाइनली दोस्तों द केरला स्टोरी इस साल की मोस्ट कंट्रोवर्शियल मूवी एंड बिसाइड इट आल्सो मोस्ट लवेबल मूवी ने 28 दिन कंप्लीट करके आज 29वें दिन में एंट्री मान ली है। तो आज जानेंगे कि मूवी अभी तक कितनी कमाई कर चुकी है, पब्लिक की तरफ से कैसे रिव्यू मिल रहे हैं, मूवी और कितनी कमाई कर सकती है, सब जानेंगे बस कुछ ही देर में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना अगर आप भी ऐसे रियल एंड मसालेदार कंटेंट के डाईहार्ट फैन हैं तब। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बता दूं तो किसी ने भी उम्मीद नहीं करी थी कि फिल्म इतने लंबे टाइम तक सिनेमाघरों में राज करेगी, क्योंकि आज डे 29 हो गए हैं और मूवी अभी भी रिदम में चल रही है। पठान के बाद सिनेमाघरों में सबसे ज्यादा लॉन्ग टाइम तक टिकने वाली इस साल की दूसरी फिल्म है जो सिनेमाघरों में लंबे टाइम तक टिकी हुई है। हेटर्स का यह तक कहना था कि अपने दो दिन से ज्यादा या फिर एक हफ्ते से में ही सिमट कर रह जाएगी। मूवी का जब से ट्रेलर आया था लगातार बॉयकॉट हुआ, लेकिन कॉन्टेंट ने, स्टारकास्ट की मेहनत ने मूवी को सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर मूवी बना दी, क्योंकि जो भी मूवी को देखकर थिएटर से बाहर आ रहा था उसकी रूह कांप जा रही थी, क्योंकि ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट इज अमेजिंग एंड वेरी प्योर। बहुत सी जगह ऐसे ब्रूटल सीन्स हैं जो बड़े बड़े पर्दे पर अधिकतर फिल्टर करके दिखाए जाते हैं, लाइक कश्मीर फाइल्स जिसमें भयंकर लेवल की ब्रूटैलिटी थी, लेकिन उसका 5-6% भी ढंग से दिखाया नहीं गया। पर इस मूवी में आपको काफी रियलिटी देखने को मिलेगी, इसलिए लोग इसे पसंद भी खूब कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अदा शर्मा के मेन लीड रोल में बनने वाली द केरला स्टोरी इसकी सपोर्टिंग कास्ट भी दमदार है। जी हाँ, सिद्धि ईरानी, योगिता बिहानी और सोनिया बलानी जैसे दिग्गज स्टार भी आपको देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, सुदीप्तो सेन के डायरेक्शन में लगभग 35-40 करोड़ के टोटल बजट में बनने वाली फिल्म द केरला स्टोरी एक रियल एंड ब्रूटल इंसिडेंट पर आधारित फिल्म है, जिसने अपने पहले ही दिन एक हिस्टोरिकल ओपनिंग के साथ अपने पहले 3 दिन में ही 35 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन अपने खाते में रखा था और अपने पहले ही हफ्ते में 81.50 करोड़ से ऊपर का जबरदस्त स्ट्रॉन्ग होल्ड कर लिया था। दोस्तों इसी के साथ द केरला स्टोरी बॉलीवुड की फीमेल डोमिनेंट बनने वाली फिल्म में नंबर 1 पे अपनी जगह बना ली थी और बहुत ही कम समय, और साथ ही गंगूबाई काठियावाड़ी, वीरे दी वेडिंग जैसी दिग्गज फिल्मों को भी खदेड़ा था और अभी तक की मोस्ट लवेबल फिल्म बन चुकी है फीमेल सेंट्रिक में। और इसी के साथ अपने दूसरे हफ्ते में अपने पहले हफ्ते से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड करते हुए रिकॉर्ड तोड़ करते नजर आई है। जी हाँ, लगभग 90 करोड़ का कलेक्शन अपने दूसरे वीक से बटोरा था और अपने थर्ड वीक से लगभग 41.75 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन करके और हेटर्स को मुंह तोड़ जवाब देते हुए इस फिल्म ने साबित कर दिया था कि बॉक्स ऑफिस के मामले में यह अब किसी के बाप से नहीं रुकने वाली। दोस्तों जहां इस फिल्म ने अपने 24वें दिन तक 226 करोड़ तक का कलेक्शन कर लिया था, वहीं अपने 25वें दिन में 1.85 करोड़, 26वें दिन में 1.82 करोड़, 27वें दिन में 1.77 करोड़ और कल यानी 28वें दिन में लगभग 1.35 करोड़ और कल अपना चौथा हफ्ता 18.30 करोड़ के कलेक्शन से पूरा कर लिया था, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर होता है एक छोटी सी फिल्म के लिए। बात करें आज यानी डे 27 में कैसी ग्रोथ है, तो यस, मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी रेट शानदार होने के साथ और एडवांस में एक मोटी अच्छी कमाई खाते में रखने के साथ आफ्टरनून और इवनिंग में भी काफी सोच अपने खाते में रखते हुए एंड ऑफ द डे शायद 1 करोड़ का बिग कलेक्शन अपने खाते में रख लेगी मूवी। इसी के साथ एंड ऑफ द डे लगभग 232.76 करोड़ से ऊपर एंट्री मान लेगी मूवी अपने लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में। और इसी के साथ पठान के बाद इस साल की सेकंड बिगेस्ट ग्रॉसर मूवी साबित हो रही है और हैट्स ऑफ है इस फिल्म को, कंटेंट को। जहां बड़े बड़े स्टार की फिल्म 15 दिन भी सिनेमाघरों में टिक नहीं पाती है मुश्किल से, वहीं इस फिल्म ने जबरदस्त कमाई करते हुए 29 दिन कंप्लीट कर लिए हैं, वो भी शानदार ग्लोरी के साथ। दोस्तों मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी, ये आप लोग बताएंगे कि द केरला स्टोरी फिल्म को अगर देख लिया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। दूसरा, द केरला स्टोरी ये फिल्म इतनी कॉन्ट्रोवर्शियल क्यों है, फटाफट अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर पेश करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा, अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।